अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं माय चैनल क्रिकेट फ्यूचर। दोस्तों, बात करेंगे टॉप 5 क्रिकेट लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को एक बहुत बड़े न्यूज़ दे दूंगा, एक अच्छी गुड न्यूज़ दे दूंगा अफगानिस्तान के फैंस के लिए। इसके अलावा दोस्तों, IPL के हवाले से बड़ी खबरें आ रही है। दोस्तों, क्रिस वॉक का नया स्टेटमेंट के बारे में, BCCI ने एक नया डिसीजन भी लिया है। दोस्तों, एक अच्छी खबर है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी क्रिकेट न्यूज़ के असली फैन है तो इस वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों, अगर सबसे पहली खबर के बारे में बात करें, दोस्तों ये क्रिस वॉक्स का नया स्टेटमेंट के हवाले से। यकीनन दोस्तों, अगर देखा जाए COVID-19 के केसेस मुसलसल बढ़ते होते जा रहे हैं इंडिया में, यानी इंडिया में बहुत बुरा सूरत हाल है। अगर देखा जाए दोस्तों, क्रिस वॉक्स ने एक नया स्टेटमेंट दिया है। दोस्तों, उसने कहा कि IPL के जितने प्लेयर हैं वो IPL में नजर आ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा लकी है कि वो IPL में खेल रहे हैं, क्योंकि COVID-19 के केसेस मुसलसल ज्यादा होते जा रहे हैं और दोस्तों IPL भी खेला जा रहा है। यानी एक बहुत अच्छा स्टेप निकाला है कि IPL को खेला दिया इतने खराब सिचुएशन में। इसके अलावा दोस्तों, अगर दूसरी खबर के बारे में बात करें और अच्छी खबर के बारे में बात करें, तो दोस्तों BCCI ने एक बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों, अब तक इस फैसले पर पूरा अमल नहीं किया, यानी दोस्तों इसका बिल पास नहीं किया IPL में, लेकिन बड़ा फैसला लिया दोस्तों BCCI ने। कहा कि हर टीम अब 5 फॉरेन प्लेयर को खिलाएंगे मैच प्ले 11 पर। यकीनन दोस्तों, अब तक इसकी कंफर्म नहीं है, यानी BCCI ने इसका एक्शन नहीं लिया है, लेकिन दोस्तों ये फैसला लिया कि हमें सारे टीम्स होंगे वो 5 फॉरेन प्लेयर को खिलाएंगे। अब तक दोस्तों 4 फॉरेन प्लेयर की इजाज़त है, लेकिन BCCI ने दोस्तों ये फैसला लिया कि अब इसके बाद 5 फॉरेन प्लेयर शामिल होंगे। यानी दोस्तों, इस IPL के मिडल में ये फैसला कन्फर्म होंगे, यानी एक्शन लेंगे, और अगर दोस्तों इस IPL में नहीं हुआ तो दोस्तों दूसरे IPL में ज़रूर इस पर एक्शन लेंगे। यानी मोहम्मद नबी और मुजीबुर रहमान के लिए एक अच्छी खबर है, वो सनराइज़र हैदराबाद के प्ले 11 में शामिल हो सकते हैं अगर 5 फॉरेन प्लेयर की इजाज़त दे दिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर तीसरी खबर के बारे में बात करें, तो दोस्तों ये IPL 2021 के हवाले से है। दोस्तों, अगर देखा जाए COVID-19 की वजह से 6 प्लेयर आउट हुए हैं IPL 2021 से, जो बड़े बड़े नाम है, यानी दोस्तों जोफ्रा आर्चर, इसके अलावा दोस्तों जेसन हेजलवुड, इसके अलावा नटराजन जो बेहतरीन गेंदबाज थे, इसके अलावा दोस्तों और भी 3 बड़े स्टार जो IPL से आउट हो चुके हैं। दोस्तों, मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाई है। दोस्तों, अफगान खिलाड़ियों का बहुत ज़्यादा चांस बन सकता है कि इनके रिप्लेसमेंट में लिया जाए, और फॉरेन प्लेयर का भी चांस बन सकता है। लेकिन दोस्तों, अफगान खिलाड़ी की अगर बात करें दोस्तों, वो COVID-19 से नहीं डर रहे, और दोस्तों वो ज़रूर खेल सकते हैं IPL में अगर उसको मौका मिल जाए। और दोस्तों, अगर चौथी खबर के बारे में बात करें, तो दोस्तों ये IPL की लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से। यकीनन दोस्तों, बहुत फैन बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं कि हम किस तरह IPL के लाइव स्ट्रीमिंग, लाइव टेलीकास्ट मैचेस देखें। दोस्तों, इस पर मैंने मुकम्मल वीडियो बनाई है, मैं आई बटन पर दे दूंगा। दोस्तों, आप वहाँ पर IPL की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको कुछ चैनल के नाम बता दूंगा, यानी दोस्तों इंडियन फैन स्टार स्पोर्ट पर देख सकते हैं, इसके अलावा दोस्तों अफगानी फैन दोस्तों RTA स्पोर्ट पर देख सकते हैं, और दोस्तों पाकिस्तान फैन दोस्तों IPL नहीं देख सकते, लेकिन अगर वो देखना चाहते हैं तो दोस्तों वो फेसबुक पर देख सकते हैं, यानी RTA स्पोर्ट पर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आखिरी खबर के बारे में बात करें, तो दोस्तों आपको ये वीडियो नजर आए, राशिद खान केक कटिंग कर रहे 2 मिलियन फॉलोअर्स पर। यकीनन बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। उसने कहा कि मुझे इसी तरह सपोर्ट करें, यानी दोस्तों राशिद खान के 2 मिलियन फॉलोअर हुए हैं इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप 5 क्रिकेट लेटेस्ट न्यूज़ के हवाले से। दोस्तों, अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों आप भी ज़रूर कमेंट करें। खुदा हाफिज़। 2 मिलियन फॉलोअर्स। वाओ, नाइस।